ऋषि में ऋषि की जो उसमें फाइटिंग थी ना प्रभास की, वो कमाल की थी। अगर आपको पार्ट देने का तो जा कर जरूर विजिट कर लीजिए। अच्छे तरीके से देखते हैं मानी दफा एंड माय नेम इज जिया खान। आप अपनी प्रॉपर्टी क्यों बेच रहे हैं? तुम्हें जमीन की जरूरत है और मुझे पैसों की जरूरत। वक्त बर्बाद मत करो, कौन सी जमीन चाहिए बोलो। आपकी पुणे की जमीन और पेपर्स। हाँ हाँ, ये लो और जाओ। सिराज भाई, पैसे रखो और जमीन के पेपर्स ले लो। ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं भाई? इस घर के। आप अपना घर बेच रहे हैं, फिर आप कहाँ रहेंगे? तुझसे शादी करके नया घर बसाऊंगा। पैसे का बैग रख और निकल। मुझे जमीन जायदाद सत्ता नाम नहीं चाहिए, मुझे तो बस उसकी मौत चाहिए। उसकी लाश दिखने के बाद मैं चैन से मर जाऊंगा। जनार्दन का कोई बाहर वाला, यूपी वाला या बिहार वाला नहीं मार सकता है, उसका कोई अपना ही मार सकता है उसे। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे बेटे को कुत्ते की तरह मारा है। अपने बदले की आग बुझा लो। मैं जानता हूँ अपने भाई की कुर्सी के असली हकदार तुम ही हो। मैं जैसा कहता हूँ वैसे करते जाओ, ये मेरा आदमी उसका खून कर देगा। इसका नाम है स्टीफन, ये मुंबई का है। शुरुआत में छोटे मोटे खून करता था, अब टॉप का सुपारी किलर है ये। कुछ दिनों पहले 20 लोगों का मर्डर हुआ था मुंबई में, इसने ही सुपारी ली थी। जनार्दन को आज तक कोई हथियार या इंसान मार नहीं पाया है, पर इस बार उसकी मौत एकदम पक्की है। भैया बैठो बैठो बैठो, ये शर्मा जी हैं। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार। ये यहाँ के बड़े पुजारी हैं, बड़े मंदिर को संभालते हैं। ऋषि की शादी होने वाली है, दोनों की कुंडली पंडित जी को दिखाई थी। इनका कहना है कि हमें एक बड़ी पूजा रखवानी पड़ेगी ताकि ये दोनों अपनी जिंदगी में खुश रह सके। आप कहें तो इनकी कुंडली किसी और पंडित को भी दिखा देते। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुमने दिखा दी बस मेरे लिए काफी है। बताइए पुजारी जी, कब और कैसी पूजा करनी है? सेठ जी, कल गुरु पूर्णिमा है, वर को दो अलग जगहों पर पूजा करनी होगी। एक तो भगवान शिव और दूसरे भगवान नरसिम्हा के मंदिर में जाकर। मुहूर्त सुबह 9 बजे का है, आपको जल्दी निकलना होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक बार में दो अलग अलग जगहों पर पूजा कैसे कर सकता है? उसमें क्या हुआ, ऋषि को कल नरसिम्हा के मंदिर जाने दो, हम दोनों शिव जी के मंदिर जाएंगे। हम शिव के मंदिर जा रहे हैं, तुम ऋषि को नरसिम्हा के मंदिर ले जाओ। याद रहे मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। मालिक मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, मैं भैया के साथ जाऊंगा, तुम ऋषि को ले जाओ, ठीक है ना भैया? करेक्ट, मेरा छोटा भाई हमारा ख्याल रखेगा और तुम ऋषि का ख्याल रखना। अरे हाँ, दीपाली कहाँ है? आ रही है। दीपाली जल्दी करो बेटा। आई माँ। तुम ऋषि के साथ जाओ। चलो। हमारे साथ आना चाहती हो? उनके साथ जाना है? मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है। जाओ। नमस्कार। नमस्कार। पूजा की सारी तैयारियां हो गई ना? जी हाँ, हो चुकी हैं। आप आइए। मां,
पापा हो गया अपना काम साला पुट्ठा, मुझे मारा था, मर गया। मालिक 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 उठिए उठिए मालिक मालकिन मालकिन उठिए मालकिन मालिक 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 कहा था मैंने आपसे मालिक कि मैं आपके साथ चलता हूँ, आपने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया आपने? आपके नाम की गोली मैं अपने सीने पर लेता, मैं मर जाता तो अच्छा था। मालिक आपने तो मुझे अनाथ कर दिया, आप दोनों मेरे माँ बाप थे, आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। उठिए 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 ऋषि, हम उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सॉरी ऋषि, मैं मम्मी पापा को बचाने नहीं पाई, मुझे तुम्हें अकेला नहीं जाने देना चाहिए था। ऋषि मुझे माफ। नहीं, नहीं, नहीं। एक बार किस करो ना, तेरा बाप मर गया, मैंने मरवाया तेरे बाप को। साले ने मुझसे पंगा लिया था ना, यही बात कर रहा था, सारी मस्ती उतार दी, प्लान और पैसा मेरा था, लेकिन मारा दो लोगों ने, एक तेरा चाचा था और एक कौन था नहीं बताऊंगा। उन्हें मारना चाहता है ना, अरे जा पहले उनको ढूंढ दो ले, तू पूरी दुनिया छान मार, वो तुझे कहीं नहीं मिलेंगे। अरे आ, मुझे मारना चाहता है ना, आजा। अरे मैं कुत्तों के हाथों मरना नहीं चाहता, मैं उससे पहले खुद को मार डालूंगा। बता बता वो कहाँ है? नहीं बताऊंगा। बता, खुद ही ढूंढ ले, धरती पर होंगे या पाताल में होंगे, बता। लंदन जा, दुबई जा, ढूंढ ले।
मुझे वो चाहिए। उन्होंने सबको मार दिया, मुझे वो चाहिए राजू। बाकी जो और है ना वो दूसरा पता नहीं कौन, मुझे तो लगता है वो चाचा होगा। चाचा तुम्हारा तो चाचा और भतीजे ने मिलके है ना। हाँ। नंदिनी को तो, नंदिनी नहीं, इसका नाम क्या था लेकिन काफी इमोशनल स्टोरी थी और नंदिनी भी रो रही थी ना स्टोरी सुन के। तो अब देखते हैं इनके साथ क्या होता है, जो इन्होंने इतना बड़ा जो है ना ऋषि के साथ इतनी बड़ी गेम प्ले की। आपको एक बार कैसे जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर वीडियोस। सो सी यू अगेन।